सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसी एडिटर को और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले ताकि जिस वक्त बैतुल मुकद्दस की फतह का मौका था उसका पस मंजर इख्तिसार के साथ अर्ज करूं, जब बैतुल मुकद्दस पहली मर्तबा फतेह होने वाला था तो उस वक्त एक बूढ़ा राहिब बैतुल मुकद्दस की दीवार पे चढ़ता है और चढ़ने के बाद कहता है कि तुम्हारा अमीर कौन है, उसको भेजो, हम चाबियां उसके हाथों में दे देंगे। लोगों ने अबू उबैदा इब्नुल जर्रा को भेजा कि जाओ और चाबियां लेकर के आओ, लेकिन जैसे वो बूढ़ा राहिब आया और आने के बाद उसने किताब में देखा और देखने के बाद अबू उबैदा का चेहरा देखा तो वो बूढ़ा राहिब कहने लगा जाओ जो चाहो कर लो, हम तुम्हें चाबी नहीं देते। परेशान हो गए ये लोग कि इसने तो कहा था कि अमीर को भेजो हम चाबी देंगे, ये क्यों चाबी नहीं देता। जब पूछा गया तो कहा मैं अपनी किताब को मानूं कि तुम्हारे अमीर को मानूं कि तुम्हारी ताकत को मानूं, मेरी किताब जो इल्हामी किताब है उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों का जो अमीर जिसके गाल अंदर को होंगे, जिसकी दाढ़ी लंबी होगी, जिसकी आंखें अंदर को धसी होगी, जिसकी उंगलियां बड़ी बड़ी होगी और जिसकी उंगलियों पे गोश्त कम होगा, जो दुबला पतला होगा, पिंडली के ऊपर जिसकी जिसकी जो है वो तहबंद होगी उसके हाँ, और उसका रंग सुर्ख होगा, उसको ये चाबी दी जाएगी, और वो ना होगा तो दुनिया की कोई ताकत बैतुल मुकद्दस को फतह नहीं कर सकती। तो जब ये निशानी उसने पढ़ना शुरू की तो सहाबा मुस्कुराने लगे, क्यों? क्योंकि ये सारी निशानियां अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की निशानी थी। तो लोग कहने लगे हम तो लश्कर का अमीर समझ रहे थे लेकिन ये बूढ़ा तो मोमिनों के अमीर को तलब कर रहा है। और जब ये बात खत में लिखी गई अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम को, आप आए, आने के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की शान से आए, बड़ी मशहूर बात है उसको दोहराता नहीं, इशारा सिर्फ करता हूं, एक ऊंटनी थी उस मोमिनों के अमीर के पास, हालांकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जा रहे हैं, बुलाने पे जा रहे हैं, इल्हामी किताब में तस्किरा है, अल्लाह की किताब में जिसका तस्किरा है, बड़ा राहिब तलब कर रहा है, तो किस करोफर के साथ जाना था, लेकिन अपनी खुद की ऊंटनी पर जा रहे हैं, एक ऊंटनी, थोड़ी देर मालिक, थोड़ी देर गुलाम। और जब बैतुल मकदिस करीब आया तो गुलाम बैठा हुआ है, फारूक आजम ने जो चमड़े के मोजे पहने हैं वो फटे हुए हैं, और वो फटे हुए मोजे पैर में तो नजर नहीं आ रहे थे कि फटे, लेकिन बीच में एक नाला आ गया पानी का, तो वो चमड़े के मोजे निकाले और निकालने के बाद अपने कंधों पे डाले, तो कंधों पे डालने की वजह से जो फटे हुए मोजे थे वो नजर आने लगे कि फटे हुए हैं। अबू उबैदा इब्नुल जर्रा और खालिद बिन वलीद आपस में बातें कर रहे हैं, हजरत क्या कर रहे हैं ये अमीरुल मोमिनीन, ये क्या कर रहे हैं, वो फटे हुए मोजे पैर में थे तो छुपे थे, एक कंधों पे डाल दिए तो नजर आ रहे हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा, इन पे क्या रौब होगा, क्या दबदबा होगा। अमीरुल मोमिनीन जैसे ही पार गए कान में अबू उबैदा ने कहा हजरत आपने ये क्या किया, पूरा बैतुल मकदिस आपका मुंतजर है कि मोमिनों का अमीर कौन आ रहा है और आप इस तरह फकीराना शान से आ रहे हैं। अरे मोजे फटे थे, पैर में नजर नहीं आ रहा था फटापन, कंधे पे डाले तो फटे हुए मोजे नजर आ रहे हैं, इतना सुनना था। फारूक आजम की आंखों तेज हो गई, गोया की आंखों में खून उतर आया हो, और आपने जमीन से कंकरियां उठाई और उठा करके अबू उबैदा इब्नुल जर्रा को फेंक करके मारा, फरमाया अगर तेरी जगह कोई दूसरा बंदा ये बात करता तो मैं उसको वो सजा देता कि वो लोगों के लिए इबरत बन जाता। अभी रसूलुल्लाह को पर्दा फरमाने चंद साल भी नहीं बीते, तुम लोग दुनियादार हो गए, क्या समझते हो कि मौजों का हुस्न इज्जत देता है, या कपड़ों का हुस्न इज्जत देता है, या सुर्ख होठों का कर्रो फर इज्जत देता है। सुन लो, हम जलील कौम थे, जलील, हम ऊंट चराने वाले थे, हम बकरियां चराने वाले थे, हाल ये था कि हम तीन ऊंटों को भी एक कतार में खड़े रखने की ताकत नहीं रखते थे, लेकिन जब से अल्लाह ने अपना दीन अता किया, दामने मुस्तफा अता किया, अल्लाह ने हमें इज्जत अता कर दी, हमें मोजे और कपड़ों ने इज्जत नहीं दिए, हमें मुस्तफा की गुलामी ने इज्जत अता की है, हमें अल्लाह के दीन ने इज्जत अता की है। जब तक दीन पर रहोगे, इज्जतदार
जाओगे, दीन से दूर हो जाओगे, जलील कर दिए जाओगे। दीन को छोड़कर इज्जत ढूंढने वालों, इज्जत कहां है? वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूल ही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत तो मोमिनीन के लिए है। लेकिन हैरत हो गई, हद हो गई। नौकरियों के लिए दाढ़ियां छूट रही है, नमाजें, नमाज छोड़ना कोई खास बात नहीं मुसलमानों के लिए, नमाज छोड़ना कोई खास बात नहीं मुसलमानों के लिए, नमाज छोड़ना तो एक आम बात है। जबकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी वो काफिर हो गया। हदीस का जो है वो लुगवी और लफ्जी माना यही है, हालांकि फिर इसकी तर्जुमानी में तावीलन हम ये कहते हैं अहनाफ कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। लेकिन ये हम कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का लफ्जी माना यही है, मुतअम्मिदन फकद कफर, वो काफिर हो गया। इसीलिए गौसुल आजम दस्तगीर जो हम्बलीउल मसलक हैं, उनका फतवा यही है कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़े वो काफिर हो गया। अब आप मुझे बताएं, हम कहते हैं कि फुला मुफ्ती साहब ने फुला पे कुफ्र का फतवा लगाया इसलिए हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। जिस पर गौस पाक ने कुफ्र का फतवा लगाया उसके बारे में क्या कहें? मैं ये नहीं कहता आपको कि इस लोगों को काफिर मानते चले जाओ या काफिर, ये नहीं कहता। लेकिन सोचो तो, अगर फैसला कयामत में गौस पाक के फतवे के मुताबिक किया गया तो हमारा शुमार किस में होगा? आप मुझे बताएं हमारा शुमार किन लोगों में होगा? बिस्तर पे सोकर नमाजें तर्क करने वाले, नर्म नर्म गद्दों पे नमाजें छोड़ने